हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने काफी कमेंट किए थे, भाई गंगा एक्सप्रेस की अपडेट दो। आपका भाई गंगा एक्सप्रेस की अपडेट लेके आया और आपके भाई ने पोल भी डाला था। सबसे ज्यादा जो वोट आए थे वो गंगा एक्सप्रेस के आए थे। तो आज मैं अपडेट लेके आया हूँ गंगा एक्सप्रेस की, जो स्टार्ट होता है मेरठ के बिजोली गाँव से। पूरा 36,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है ये गंगा एक्सप्रेस, और आज मैं इसी की अपडेट देता हूँ। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हैं, पूरे भारत में बन रहे ऐसे ही प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। 36,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है गंगा एक्सप्रेस, जो स्टार्ट होता है मेरठ से। मेरठ से स्टार्ट होके ये जाता है हापुड़, फिर बुलंदशहर, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। 594 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है और 8.5 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। 17 इंटरचेंज रहने वाले हैं इस एक्सप्रेस में बड़े, और RO7 रहने वाला है। 375 अंडरपास बनाए जा रहे हैं और 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जा रही है एमरजेंसी लैंडिंग के लिए। ये है गंगा एक्सप्रेसवे, स्टार्टिंग पॉइंट बिजोली गांव के पास से, और आज मैं दिखाने वाला हूं काम का प्रोग्रेस। ये है NH 334। यहां से जो मेरठ की दूरी है वो है 7 किलोमीटर, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया जा रहा है यहां से। ये आपके सामने है NH 334 जो हाईवे है, NH 334। अगर आप जाएंगे दोस्तों लेफ़्ट की तरफ, ये पड़ता है मेरठ, 7 किलोमीटर की दूरी, और वहीं आप राइट इन साइड की तरफ जाएंगे तो पड़ता है हापुड़, और यह है स्टार्टिंग पॉइंट गंगा एक्सप्रेसवे का। दोस्तों ये अपने आप में बखूबी बनने वाला है, क्योंकि ये 12 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस कर रहा है और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, जो मेरठ से स्टार्ट होके प्रयागराज तक जा रहा है। और इसे जो बना रही है दोस्तों, वो बना रही है UP एक्सप्रेसवे इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी के उत्तर प्रदेश की सरकार। ये उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार बना रही है इस एक्सप्रेसवे को दोस्तों। गंगा एक्सप्रेसवे, इस पर जो कंपनी काम कर रही है वो है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड और अडानी इंटरप्राइजेस। ये दोनों जने मिलके इस प्रोजेक्ट को, जो कि गंगा एक्सप्रेसवे को बना रहे हैं, और ये भारत का नहीं उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। भारत का तो फिर मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी जो दूरी है अभी तो 594 किलोमीटर है, लेकिन इसे दो फेज में बनाया जाएगा। कुछ हिस्सा जो है अपना हरिद्वार से भी स्टार्ट होगा, उसकी अभी डिटेल से बताऊंगा मैं आपको। वो हरिद्वार से आता है कैसे उन्नाव तक बनाया जाएगा। 1,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा बनने वाला है ये वाला एक्सप्रेसवे, क्योंकि ये जो है गंगा एक्सप्रेसवे अपने आप में बखूबी है दोस्तों, क्योंकि 12 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस कर रहा है ये गंगा एक्सप्रेसवे, तब मेरठ से लेके प्रयागराज तक। और ये जो एक्सप्रेसवे है ना दोस्तों, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे, ऐसे कई एक्सप्रेसवे बनाए हैं दोस्तों, और ये वाला एक्सप्रेसवे जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है, जिससे कि आसपास में इंडस्ट्री और ज़्यादा बढ़ेंगे और नए नए इंडस्ट्री आएंगे आसपास में, जो उत्तर प्रदेश की GDP है उसमें बहुत अच्छी एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी इस एक्सप्रेसवे से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेगा दोस्तों इस गंगा एक्सप्रेसवे से। और ये फुल्ली एक्सेस कंट्रोल बनाया जा रहा है। एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है, जब तक एक्सप्रेसवे वाले नहीं चाहेंगे आप एग्ज़िट नहीं कर सकते और ना ही एंट्री कर सकते हैं। इस पर जो है दोस्तों बहुत बड़े बड़े जिसे बताया जाए ना दोस्तों ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा जो ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं। और ये एक्सिस कंट्रोल जो बनाया जा रहा है उस पर भी बहुत शानदार है, और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूँ कई कई जगह पर दोस्तों यहाँ पर
इस एक्सेसवे पे सर्विस रोड भी दी गई है, उसका भी मैं आपको काम दिखाऊंगा कि जो सर्विस रोड है वो कहाँ कहाँ बनेगी और कहाँ कहाँ नहीं बनेगी, उसकी आपको डीपली से डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों इस गंगा एक्सप्रेसवे पे 3.5 किलोमीटर एक हवाई पट्टी बनाई जा रही है जो है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जो है 1.5 किलोमीटर हवाई पट्टी बनाई जा रही है जो बनाई जा रही है शाहजहाँपुर में दोस्तों। और ये जो शाहजहाँपुर में बनाई जा रही है दोस्तों वो शाहजहाँपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और मैं आपको बताऊँ मेरठ से बहुत अटैच किया जा रहा है, क्योंकि मेरठ से ही आपने मेरठ एक्सप्रेस देखा होगा, मेरठ से हरिद्वार के लिए जा रहा है एक एक्सप्रेस है और गंगा एक्सप्रेस है, क्योंकि मेरठ एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है आने वाले टाइम में। जैसे अपना देखा ना आपने ग्रेटर नोएडा, नोएडा बहुत ग्रोथ कर दिया अपने उत्तर प्रदेश सरकार ने, वहाँ पर जेवर एयरपोर्ट आ गया है और बहुत इंडस्ट्री भी बहुत आ गए वहाँ पर। लेकिन अब मेरठ की बारी है दोस्तों, क्योंकि मेरठ के अंदर आपने देखने को मिलेगा मेरठ मेट्रो, RRTS, मेरठ एक्सप्रेस है, गंगा एक्सप्रेस है, मतलब मेरठ को काफ़ी राज्यों से जोड़ा जाएगा। अभी आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज है वहाँ से जोड़ा जाएगा, क्योंकि बिहार से अटैच होता है। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड, और फिर RRTS जो दिल्ली से कनेक्ट किया जाता है। पहले आपके पास टाइम इतना लगता था मेरठ जाने के लिए, क्योंकि मेरठ एक्सेसिबल भी नहीं था और RRTS तो अभी जो बन रहा है वो भी नहीं था, काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन अब आपको देखने को मिल रहा है मेरठ एक्सेसिबल बन के तैयार हो चुका है, कुछ हिस्सा उसका रह रहा है, और RRTS और मेरठ के अंदर मेट्रो भी है दोस्तों। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ जो मेरठ के अंदर ISBT है वो अब प्रतापपुर में शिफ्ट किया जाएगा, नया ISBT बनाया जाएगा। हाँ दोस्तों, और आपका भाई उसकी पूरी डिटेल में वीडियो बताएगा, दिखाएगा डिटेल में प्रतापपुर में कहाँ पे बनाया जाएगा ISBT जो है मेरठ का। क्योंकि RRTS और मेट्रो जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है मेरठ को बहुत बड़ा हब दोस्तों, जिसकी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको बताऊं उत्तराखंड के हरिद्वार से मेरठ तक एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा जो गंगा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा, और उसकी जो कीमत लगने वाली है, लागत लगने वाली है, वो है 230 करोड़ रुपए। टोटल जो बजट है वो 36,230 करोड़ का है, इसमें लैंड इक्वायर भी इंक्लूड है दोस्तों, इसमें लैंड इक्वायर भी इंक्लूड है दोस्तों। और ये जो है मेरठ के बिजोली गांव से जो है जूड़ापुर दादू गांव प्रयागराज तक बनाया जा रहा है, और उत्तराखंड के हरिद्वार से मेरठ तक। और जहां तक इसकी बात की जाए दोस्तों, ये मात्र और मात्र आप मेरठ से, आप और हम मेरठ से 8 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएंगे, जिसे आज के टाइम में अगर आप जाते हैं तो 12 से 15 घंटे लगते हैं दोस्तों। जब ये बन जाएगा मात्र 8 घंटे में मेरठ से प्रयागराज पहुंच जाएंगे। ये मेरठ और
प्रयागराज को कनेक्ट करता है और उससे आप आगे जाएंगे तो बिहार को भी कनेक्ट करता है दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा हब बनने वाला है मेरठ, और इसकी जो रेट है वो भी हाई होने वाला है क्योंकि बहुत शानदार बनाया जा रहा है अपना मेरठ। ये देखिए दोस्तों, अब हम अपडेट की बात करते हैं आपके सामने। ब्लैक टॉप का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे यहाँ पर पहले सिंगर ब्लैक टॉप की बनाई है लेयर, और उसके बाद ये दूसरी लेयर बनाई जाएगी ब्लैक टॉप की। नीचे आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर सर्विस रोड का निर्माण किया जा रहा है जिस पर अभी अर्थवर्क का जो काम है वो आपको देखने को मिलेगा। कई जगह पर एक्सप्रेसवे के साथ साथ सर्विस रोड दी गई है और कई जगहों पर नहीं दी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने जो लैंड एक्वायर है वो काफ़ी हद तक अच्छी खासी की है, जिससे कि आने वाले टाइम में हम 4 लेन से, मतलब अभी 3 लेन है ना, 3 लेन ईस्ट साइड, आने वाले टाइम में 4 लेन से भी एक्स्ट्रा एक्सपेंड किया जा सके, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो आगे के लिए, बहुत फ्यूचर के लिए सोच के चलती है कि आने वाले टाइम में किसी को भी दिक्कत ना हो और हम 3 से 4 लेन एक्सपेंड करने में कोई इशू ना हो। गंगा एक्सप्रेसवे दोस्तों, आपको पता है क्या इस एक्सप्रेसवे का नाम गंगा एक्सप्रेसवे क्यों रखा? नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ। इस एक्सप्रेसवे का नाम गंगा एक्सप्रेसवे इसलिए रखा क्योंकि ये प्रयागराज तक जस गंगा के साथ साथ बनाया गया एक्सप्रेसवे है, इसलिए इसका नाम गंगा एक्सप्रेसवे रखा है। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों, गंगा जो नदी है उससे आने वाली बाढ़ को ये एक्सप्रेसवे बहुत हद तक रोकेगा, क्योंकि इसमें एम्बनमेंट कुछ ऐसा बनाया गया है, एम्बनमेंट मेरे से नहीं बोला जा रहा, एम्बनमेंट कुछ ऐसा बनाया गया है जिससे कि जो आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती थी बाढ़ से, उस बाढ़ को ये रोकेगा दोस्तों। और आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा दोस्तों कि कैसे इसे, इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है जिससे कि आसपास के लोगों को जो बाढ़ से दिक्कतें होती थी वो नहीं होंगी। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इस गंगा एक्सप्रेसवे के थ्रू दोस्तों। और इस जो काम का प्रोग्रेस आपको देखने को मिल रहा है, ये 2008 में प्रोजेक्ट आया था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से इस प्रोजेक्ट को आगे प्रोसीड नहीं किया गया था, फिर धीरे धीरे करके इसको आगे प्रोसीड किया गया और इसकी नींव रखी गई और फिर ये स्टार्ट किया गया गंगा एक्सप्रेसवे। और आज आपके सामने है, देखिए क्या स्पीड है इसकी बनने की दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे की। बहुत जल्द आप और हम इस पर ड्राइव करेंगे इस गंगा एक्सप्रेसवे दोस्तों, क्योंकि ये आप पिछली बार हम जब आए थे 1 साल पहले तब यहाँ पर लैंड एक्वायर का काम कंप्लीट किया गया था, लेकिन आज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ब्लैक टॉप का फर्स्ट लेयर बनके तैयार हो चुकी है। जो सेकंड लेयर का काम है वो अभी रह रहा है, लेकिन फर्स्ट लेयर का जो काम है वो अभी कंप्लीट कर लिया गया है। साथ में ही सर्विस रोड का भी अभी अर्थवर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। आपको देखने को मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों। इस एक्सप्रेसवे पर ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं, वो भी कोशिश करूंगा आपको दिखाने की दोस्तों। गंगा एक्सप्रेसवे देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनर टाइप के यहाँ पर अंडरपास भी बनाए गए हैं, ये भी अपने आप में बखूब है दोस्तों, माइनर टाइप के 1 वे रोड के अंडरपास। इस
एक्सेस में काफ़ी माइनर टाइप के अंडरपास बनाए गए हैं और मेजर भी हैं और ट्रपिट इंटरचेंज भी बनाए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे आपके सामने देखी दोस्तों। यहाँ पर एक और बता दूँ दोस्तों, ये गंगा एक्सप्रेसवे जो है, ये गंगा एक्सप्रेसवे 12 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, क्योंकि जब आप मेरठ के बिजौली गांव से प्रयागराज तक जाते हैं तो जो 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनको जोड़ता है, उनमें भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रम्पिट इंटरचेंज बनाए जाएंगे, जिससे कि अगर आप 12 डिस्ट्रिक्ट में से किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहें तो आपको बहुत सरलता हो जाएगी। क्योंकि अगर आप दिल्ली से जाएंगे तो भी आप मेरठ एक्सप्रेस वे पकड़ के और फिर वहाँ से एग्ज़िट करके सीधे आप गंगा एक्सप्रेस वे एंट्री कर सकते हैं, या आप मेरठ से या फिर हरिद्वार से या उत्तराखंड से कहीं से भी आते हैं तो आप वो 12 डिस्ट्रिक्ट में बहुत जल्दी सरल से पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी है मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों एक वीडियो बनाने में। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।